प्यारे दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीजल। मिशन सीजल में आप लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग बंगाल के सिविल सर्विस देने के लिए रेडी है, जो लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए थे 2021 का, ओके 2021 का दोस्तों, 2021 का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्रीलिम्स दिए थे, उनका तो रिज़ल्ट पहले ही निकल चुके थे, पहले ही निकल चुका था, ओके। और जिन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है और उनके लिए एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है, ओके उनका एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है, ये है 20, 21, 22 एंड 24 मई 2022 इस साल के, ओके ये है मार्च महीना, अप्रैल एंड मई, मात्र ढाई महीना बाकी है, ओनली 2.5 मंथ्स। आज 12 तारीख है, 12/3/2022, तो ढाई महीना भी नहीं बचा हुआ है, 2 महीना 10 दिन बचा हुआ है करीब करीब। तो आप लोगों मेरे से ये विनती है कि प्रिपरेशन ढंग से करें और इस बार इस एग्ज़ाम में आपका नंबर लगा लें, ओके इस बार इस एग्ज़ाम में अपना नंबर लगा लें। तो दोस्तों, इसके बारे में जितना कम बताऊंगा उतना ही बेहतरीन है। और हम शेड्यूल में चले जाते हैं कि इस साल का जो 2021 का जो WBCS बंगाल के सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम BDO DSP और ADSR एंड एक्साइज कमिश्नर ALC वगैरह वगैरह का जो एग्ज़ाम है, आप लोग जो देने के लिए उत्सुक है, चाहत लेके बैठे हुए हैं उनके लिए, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एग्ज़ाम शेड्यूल दे चुका है और अभी हम एग्ज़ाम शेड्यूल में घुस रहे हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली एग्ज़ाम होता है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, जैसे दिख रहा है आपको शेड्यूल में फर्स्ट डेट में, ओके यह टाइमिंग नया 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक, ओके तो 6 घंटे का एग्ज़ाम है। तो थोड़ा आपको सबूर करना पड़ेगा, थोड़ा ये हैव टू वेट फॉर दिस एंड यू हैव टू टेक मच मोर प्रेशर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ओके। तो फर्स्ट डे 20 तारीख को है, 25 एंड 2022। तो मई महीने का 20 तारीख का फर्स्ट पेपर होगा बंगाली और हिंदी और उर्दू और नेपाली, जो भी आपका मदर टंग लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के पेपर होगा, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा सेकंड पेपर इंग्लिश, वही सेम पैटर्न में लेटर राइटिंग वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें हम डिटेल्स आलोचना करेंगे, ओके यहाँ पे हमने ओनली सोचा है कि आप लोगों को पेपर के बारे में बता दें कि ओवरव्यू हो जाए कि भाई इसमें क्या क्या पेपर है और कैसे कितना टाइमिंग रहेगा, ओके तो 21 तारीख को होगा आपका पेपर 3 आपका, ओके 21 तारीख सैटरडे होगा आपका पेपर 3 और शाम मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग शेड्यूल में फर्स्ट सेशन में और सेकंड सेशन या शिफ्ट बोल सकते हो आप, जैसे सीजीएल में शिफ्ट बोलते हैं, और सेकंड शिफ्ट में क्या है पेपर 4। अच्छा, पेपर 3 में कौन सा है, इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी स्पेशल रेफरेंस विद वेस्ट बंगाल और नेशनल मोमेंट्स, हिस्ट्री में नेशनल मोमेंट्स स्पेशल रहता है और जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ वेस्ट बंगाल जियोग्राफी स्पेशल रेफरेंस में रहता है, ओके। पेपर 4 में कौन सा आता है, जनरल स्टडीज, पेपर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड जनरल नॉलेज, जो स्टैटिक जी के हम बोलते हैं, और करंट अफेयर्स भी रहेगा, और करंट अफेयर्स सेक्शन भी रहेगा। दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा, हमने परमानेंट लॉकिंग सिस्टम चालू किया है MCQ के क्षेत्र पर, और ये जो 4 पेपर 3 पेपर है, ये 1 पेपर 2 पेपर और 3 पेपर, ये कितना है 600 मार्क्स का जो पेपर है उसमें हमने क्या है MCQ में परमानेंट लॉकिंग सिस्टम चालू किया है। अगर उसमें आपका दिमाग बढ़ गया तो मैक्सिमम जो आपका पढ़ा हुआ MCQ कभी गलत नहीं होगा, अगर आपके पास कम होना है, अगर आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा तो वो MCQ गलत नहीं होगा, ठीक है 99% ये है। तो देखते हैं आगे क्या है। तो ये तो पेपर 4 में हमने देखा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स भी इसमें रहेगा। पेपर 4 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी इंक्लूडिंग द रोल एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, तो ये बहुत स्पेशल पेपर है, इसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन इकोनॉमीज एंड स्पेशल रेफरेंस टू RBI, ये मान लीजिए आप, जैसे स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल कहा जा रहा है, इसमें भी स्पेशल रेफरेंस टू RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। और पेपर 6 में आपको देखना है मैथ एंड GI, ओके जो आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बता दूं कि आप इंटरेस्ट लीजिए उसमें, उसमें बहुत अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते हैं, उसके डिटेल आलोचना मैं
नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है उसमें कल ही कर देता हूँ कि इसमें क्यों इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लेना है। ओके, ये पेपर में आपको क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है और उसके सेकंड इंटरेस्ट इसमें क्यों ज़्यादा लेना है। ओके, पेपर फोर एंड पेपर सिक्स में, पेपर फोर एंड पेपर सिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना ही है आपको। ओके, और उसके बाद रहा ऑप्शनल पेपर। ओके, ऑप्शनल पेपर वन दैट इज कन्वेंशनल टाइप एंड ऑप्शनल पेपर टू दैट इज कन्वेंशनल टाइप। तो इसमें भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से शाम के 5 बजे तक। दोस्तों बहुत अच्छा रूटीन है, मैंने जब तक एग्ज़ाम दी है तब तक मैंने सिलेक्शन पाई है, ठीक है, तब तक सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने कितने सर्विस नौकरी छोड़ा हूँ वो मैं आपको एक दिन, अब मेरा एडमिट जो कॉल लेटर्स है, मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर्स है, उसका मैं प्रूफ दिखाऊँगा आपको। ओके, उसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊँगा, तो बहुत जल्दी वो उसको दिखाऊँगा मैं आपको प्रूफ में कितना एग्ज़ाम में मतलब इंटरव्यू तक कॉल मिला है और इंटरव्यू में गया नहीं गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट इंटरव्यू का कॉल लेटर आया है उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आप मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आजकल बहुत रिस्ट्रिक्शन पड़ चुका है इसमें एग्ज़ाम हॉल में, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी आइटम एक्सेप्ट दोज रिक्वायर्ड फॉर दी purposes of examination, example admit card, ID proof and the photographs. Okay. Using any types of calculators, unless stated otherwise. अगर बोला नहीं गया तो मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच एंड क्लिपबोर्ड, गैजेट्स ऑफ कम्युनिकेशंस इफ इज कम्प्लीटली बैंड इनसाइड द प्रमाइसेस एंड वेयर द एग्जामिनेशन इज बिंग कंडक्टेड। तो एग्जामिनेशन जहाँ पर हो रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर में ये सारे चीज़, जो स्मार्ट वॉच भी आजकल कैलकुलेटर की काम तरह काम करता है, तो वो भी लेके जाना माना है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस टूल, अगर आप ये ब्रेक करते हो, ये जो निषेध है ये ब्रेक करते हो, इंस्ट्रक्शन विल अट्रैक्ट द पेनल एक्शन इंक्लूडिंग बैन फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन, तो आपको बैन भी कर सकता है कमीशन फ्यूचर एग्जामिनेशन से। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर वोन इंटरेस्ट नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैंड आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स। देखिए बारी बारी से बोला जा रहा है कि मोबाइल फोन्स की तरह ऐसा आइटम नहीं लेके आना है, वैल्यूएबल कॉस्टली अदरवाइज कॉस्टली आइटम्स टू द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन एज अरेंजमेंट्स फॉर सेफ गिविंग कैन नॉट बी अश्योर्ड। तो ये सारी चीज़ रखने का जगह का जो है वो एश्योर नहीं किया जा सकता है कमीशन की ओर से, ठीक है। कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस इन दीज रिगार्ड। अगर आपके ये फ़ोन, मोबाइल जो स्मार्ट फोन है, स्मार्ट वॉच है, अगर खो गए तो कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, वायरिंग ऑफ फेस मास्क कवर एंड यूजिंग सैनिटाइजर आर मैंडेटरी। तो मई महीने का एग्ज़ाम होगा, फिर से मई महीने का एग्ज़ाम के लिए भी कमीशन बोल दिया है कि मास्क होना चाहिए, फेस मास्क एंड सैनिटाइजर भी यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे सारे चीज़ों की ध्यान रखें, इसमें से बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाना चाहिए कि मोबाइल फोन्स और ये स्मार्ट वॉच, क्लिपबोर्ड्स, ये सारे आप ना लेके जाए, ओनली एडमिट कार्ड्स एंड आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ जो आपको चाहिए तो यही लेके जाए, बाकी सारे कुछ भी ना लेके जाए, सो दैट यू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल हैशल फ्री विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। देखिए अगर एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही आपका दिमाग अगर गड़बड़ा गया तो एग्ज़ाम हॉल में जाते ऐसे ही प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है, तो और ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। ये है मेन एग्ज़ाम, आपको एकदम शांति से एग्ज़ाम देना है दोस्तों, शांति से, एकदम शांति से। दोस्तों एग्जामिनेशन से पहले जो टेंशन और प्रेशर आता है उसके लिए बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कल, वो ज़रूर देखें कैसे आपका टेंशन कंट्रोल करना है, कैसे आपका प्रेशर बीपी कंट्रोल करना है, कैसे माइंड को स्थिर करना है, शांत रखना है, कंट्रोल में रखना है, उसके वीडियो अगले वीडियो कल ही दे दूँगी, सो दैट योर यू प्रैक्टिस दैट सेशन एंड एंटर इन द एग्जामिनेशन, फर्स्ट कंट्रोल योर माइंड एंड देन डू योर एग्जाम्स, गिव योर एग्जाम्स। ओके, तो दोस्तों आज से यहाँ तक ही, कल के वीडियो में हम डिटेल आलोचना करेंगे सो दैट यू गेट कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट दिस एग्ज़ाम्स, कि कौन सी पेपर में क्या क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, कितने मार्क्स है वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड ये जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।